बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। आप देख रहे होंगे दुखद दुर्घटना हुई है नरौरा थाना क्षेत्र में, और इसमें एक यात्रियों की बस, इसमें ज़्यादातर लोग हाथरस के रहने वाले थे, ये वैष्णो देवी से वापस आए थे। 2 बजे के आसपास बस आई, बस आने के बाद लोग उतर के इधर उधर चले गए। बस के लगभग 7 पैसेंजर, जिसमें 4 महिलाएं और 3 बच्चे थे, वो बस के आगे थोड़ी दूरी पे शमशान घाट जाने वाला रास्ता था, मेन रोड के हटते थे, उस पर सो गए थे। लगभग सुबह 4:15 के आसपास एक यात्रियों की बस आई, जिसने आकर के उस शमशान घाट वाले रास्ते की ओर टर्न करने का प्रयास किया, तो उसे संभव पड़ा होगा, क्योंकि पहली वाली बस उस टी के पास खड़ी हुई थी, और चारों लोग, 7 लोग जो वहाँ सोए हुए थे, उस बस की चपेट में आ गए, उतर गए, जिससे उनको दिक्कत हुआ। बस चालक जो है वो अभी गिरफ्तार नहीं, बस चालक की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, बस जो है वो बरामद कर ली गई है, उसे थाने में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन परिवार के लोगों का देहांत हुआ है उन किसानों से है, और इसमें जो भी कमियां आप लोग प्रकाशन ला रहे हैं उसमें जांच करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी पूरा जिला प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है, मैं जिलाधिकारी कप्तान साहब हैं, हमारे जिलाधिकारी में पुलिस बल है, और विभाग के लोग आ रहे हैं, बॉडी ले जाया जाएगा, जो कमियां हैं उनके बारे में जांच करके हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई। नहीं, रोड पे तो नहीं सोना चाहिए, परंतु जो कमियां हैं जैसे प्रकाश की व्यवस्था है एवं अन्य जो भी व्यवस्था हो सकेगी, प्रशासन सब पहला स्टेप हमारा होगा कि जांच करके जिन लोगों का इग्नोरेंस है उस पर कार्रवाई करना, बाकी उनके रुकने का जो यात्रियों के रुकने के संबंध में आवश्यकता अनुसार व्यवस्था।